आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हमारी नीति बहुत साफ है। इसलिए हमारी नीति और रणनीति का दम आज पूरी दुनिया देख रही है। वहीं कांग्रेस आरजेडी की महामिलावट की नीति क्या है उनको खुद को पता नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र में इनके इरादे साफ झलकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने ढकोसला पत्र में जो लिखा है, आप हैरान हो जाओगे, जिसके लिए 70 साल से देश के जवान अपना खून बहा रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में जिंदगी गुजार रहे हैं, अनेक माताओं ने अपने लाडले खोए हैं, और आज 70 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने ढकोसला पत्र में क्या लिखा है? खून गर्म हो जाता है दोस्तों, सुनता हूं तो गुस्सा आता है, मन में बेचैनी होती है कि 70 साल तक राज करने वाली पार्टी इतनी नीचे गिर गई। उन्होंने लिखा है, और वो जो लिखा है पाकिस्तान वही बोलता है। आप कोई भी पाकिस्तान के नेता के पिछले 50 साल के बयान निकालो, यही बोलता है। इन्होंने क्या लिखा है? ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो सेना को कम कर देंगे। क्या होगा भाई? इन्होंने कहा है कि हमारे जवानों को जो विशेष अधिकार मिला है, जिसके कारण हमारे सुरक्षा बल उनको सुरक्षा मिलती है, उसको भी खत्म कर देंगे, और उसके कारण पत्थरबाजों को, आतंकियों को जो चाहे वो कर सकते हैं। सेना का जवान कुछ करेगा तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। भाइयों बहनों, ये लोग अलगाववादियों, नक्सलवादियों के समर्थकों को जो देशद्रोह का कानून है उससे भी उनको आजादी दिलाना चाहते हैं। ये देश पे जवानों पे गोलियां चलाने वालों को आजादी मिलनी चाहिए क्या? मिलनी चाहिए क्या? ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये कानून हटाना चाहते हैं, ये उन्होंने लिखित में कहा है। साथियों, जात पात का जहर घोलकर नामपंथी और दामपंथी देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों के साथ खड़े हैं। आप सभी लोगों को उन्हें भरपूर जवाब देना है।